राजधानी पटना के NH-30 पर लोगों से लूटपाट करने वाले गिरोह को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल पटना पुलिस को पिछले कुछ महीनों से शिकायत मिल रही थी कि एक गिरोह लगातार NH-30 पर लूट की घटना को अंजाम देता है। इस शिकायत ने पुलिस की परेशानी बढ़ा दी थी, क्योंकि यह लुटेरे ऑटो चालक के रूप में ऑटो के साथ NH पर घूमते थे और जैसे ही पैसेंजर्स या आम लोग इनकी ऑटो में बैठते, ये गिरोह लूट की घटना को अंजाम देता और फिर फरार हो जाता था। शिकायत ने पटना पुलिस की परेशानी बढ़ा दी थी। इसी बीच इन लुटेरों ने पटना सिटी अनुमंडल के फतुहा थाना इलाके में लूट को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे कि इसकी जानकारी पुलिस को मिल गई और नए साल में इस गिरोह फिर से लूट के लिए प्लानिंग कर रहा था, तो पुलिस ने फतुहा थाना और नदी थाना के पुलिस अधिकारियों की टीम बनाकर मिली जानकारी पर छापेमारी के लिए भेजा तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। NH-30 के फोरलेन आरओबी के पास टेम्पू सवारी बनकर लूट की वारदात को अंजाम देते चार लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने इन लुटेरों को पास लूट के 49,000 नगद, एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस, एक ऑटो और लूटे गए 8 मोबाइल बरामद किया। गिरफ्तार सभी लुटेरे पटना जिला के बेलदारी चक के निवासी हैं। इस मामले में फतुहा DSP राजेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी लुटेरे अपने ऑटो पर पैसेंजर को बिठाकर उनके साथ लूटपाट किया करते थे, जिनकी लगातार शिकायत मिल रही थी। अपराध की योजना बनाने में संलिप्त चार ऑटो सवारियों को गिरफ्तार किया गया, जो सभी जो है अपराध कर्मी थे। ऑटो के साथ गिरफ्तारी हुई उनकी। इस क्रम में एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 49,000 रुपये नगद, 7 मोबाइल और एक ऑटो की बरामदगी हुई। गिरफ्तार अपराधकर्मी बीपी कुमार उर्फ राहुल, केसर रुदल पासवान, प्रिंस कुमार उर्फ रफ्तार सिंह उर्फ विकास, केसर जग्गू पासवान, सूरज कुमार केसर महेश पासवान, रविशंकर कुमार केसर रतन पासवान, सभी बेलदारी चक थाना गौरी चक जिला पटना के रहने वाले हैं। इस क्रम में फतुहा थाना कांड संख्या 657/2020, फतुहा थाना कांड संख्या 739/2020, जिसमें ऑटो और मोबाइल और नगद रुपये की लूट हो गई हुई थी, इसकी बरामदगी हुई। क्या ये कहाँ से गिरफ्तार हुआ था? आरओबी के पास फोरलेन का रेड हैंड ये पकड़े गए हैं सभी। किस तरह से लूटपाट करते थे? ये अपराध की योजना बनाते थे और ऑटो से लूटपाट ऑटो चालक थे और ऑटो का ही उपयोग करते थे लूटपाट के क्रम में। ऑटो का ऑटो भी जब्त है और चारों अपना ऑटो रख कर पैसेंजर को लूटने का करते थे। और पूर्व में जो लूट की घटना हुई है, जिसमें ऑटो लूट की एक घटना है, वो ऑटो भी रिकवर है और ये द्वितीय का जो लूट हुआ था उसमें 49,000 रुपया रिकवर है। सर, लूट की घटना जो है, लूट के टेम्पो से ही अंजाम देते थे? टेम्पो से ही अंजाम देते थे। दो टेम्पो हो गए, एक टेम्पो। बहरहाल इन लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस ने राहत की सांस ली है। पटना सिटी से खुलासा के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट।